आधुनिकता के इस दौर में भी समाज का एक तबका ऐसा है जहां आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। शादी व दहेज की चिंता माँ बाप को सताती रहती है और भ्रूण हत्या जैसे अपराध जन्म लेते हैं। ऐसे में एक संस्था ऐसी भी है जो इन माँ बाप का बोझ कम करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असहाय जन सेवा समिति की, जो गरीब व असहाय बच्चियों के विवाह की जिम्मेदारी खुद उठाती है सामूहिक विवाह का आयोजन करके। पिछले 8 सालों से चलता आ रहा यह कार्यक्रम इस वर्ष त्रिलोकपुरी के शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। डीसीपी ट्रैफिक ईस्ट डिस्ट्रिक्ट किंग किंग, काउंसलर गुरमीत कौर, लायन एसजे रमन व विनीता सिंघानिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। आरसी शर्मा, सत्यपाल, सुभाष भार्गव, राम मनोहर रोहिया, डॉक्टर कश्यप आदि भी विशेष रूप से मौजूद रहे। संस्था द्वारा विवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन के उपयोग में आने वाले सामान उपहार के रूप में दिए गए। कार्यक्रम की सफलता में भारत विकास परिषद का सराहनीय योगदान रहा। विवाह का आयोजन करके एक आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, ये मेरे को प्रेरणा साईं बाबा ने दी है। मैं चाहता था कि लोगों की सेवा करूँ तो मैं अकेला कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने एक संगठन तय किया असहाय जन सेवा समिति। उसके द्वारा मैंने एक काम चालू किया है, 25 साल चालू किया था मैंने। आज आप देख लीजिए 31 जोड़े का मैं शामिल कर जा रहा हूँ। इसमें जितने भी आप लोग जो संस्थाएँ हैं समाज सेवा के हैं सबका सहयोग है। कितने सालों से करा रहे हैं आप ये? 7 साल कर रहे हैं, ये 8वां शामिल हुआ है। अच्छा, कितनी जोड़ियाँ यहाँ पर आकर के बन करके चाहिए? 151 टोटल तब से अब तक। अच्छा, अभी रिसेंटली एक बिल आया है कि हम 5 लाख से ज़्यादा जो है वो शादियों पे नहीं खर्च कर सकते, और यदि करते हैं तो उसका 10% जो है हमें गरीबों को दान देना होता है। तो आपको क्या लगता है कि कितना मददगार साबित होगी ये बिल हमारे? देखिए, ये हम लोग जो उन पर खर्चे करते हैं एक जोड़े पे कम से कम 70,000 खर्च होता है, तो टोटल लगा लीजिए कि ये आपका 21-22 लाख खर्च हुआ है, क्योंकि कुछ बहुत ही कम है ये। अगर हम इनके अलग करते हैं तो कम से कम जी एक शादी के ऊपर 10 लाख खर्च होता है कम से कम। तो हम लोग महंगाई को देखते हुए, देश भर को देखते हुए उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये काम उठाया है। अच्छा, फंडिंग के लिए किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं? फंडिंग की बहुत समस्याएं आती हैं, जो हमारे समाज सेवक हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे फंड मांगते हैं, उसे देखते हैं, देते हैं वो। 8 साल हो गए हैं और लगातार चल रहा है, और हमारी तो पूरी ईश्वर से प्रार्थना है कि लगातार आगे चलता भी रहेगा। हाँ। फंडिंग के दौरान किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं? कोई भी जब आप नए काम करते हैं तो समस्याएं बहुत आएंगी, बशर्ते कि यह है कि जो हमारे असहाय जन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं कमलजीत जी, उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करी है। ये मैं वही बताना चाहता हूँ कि एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था मंजिल मकसद की ओर, लोग आते गए, भीड़ बढ़ती गई, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और आज इस मंजिल पर खड़े हो गए हैं कि लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं हमारे से आकर के और संस्था से जुड़ते हैं आकर के। अच्छा, सबसे पहले उद्देश्य क्या था इस सामूहिक विवाह? इसका उद्देश्य ये है कि इससे दहेज प्रथा जो है उसकी समाप्ति होती है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हिंदुस्तान में आजकल इतने सामूहिक विवाह हो रहे हैं, इससे हकीकत है कि जो दहेज की पीड़ा सहती थी हमारी बेटी बहनें वो खत्म होती जा रही है लगभग। इस एनजीओ के एक अहम हिस्सा हैं, आपको इस एनजीओ का उद्देश्य क्या रहा? हाँ, इस एनजीओ के उद्देश्य हैं, भारत में बहुत सारी विषमताएं हैं जिसमें सामाजिक जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत से गरीब आदमी ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों के कोई भी शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते, शादियां नहीं कर सकते, और भी क्रियाएं हैं, सर्विस का प्रबंध करना, शिक्षा का प्रबंधन करना, उनके नौकरी का प्रबंध करना, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस एनजीओ का निर्माण किया, जिसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। और मुख्य उद्देश्य में ये है जो सामाजिक उत्थान, मेन समाज में लोग उठें, उनको अवेयरनेस करना, शिक्षा के प्रति, बीमारियों के लिए हम हर महीने कहीं ना कहीं कैंप लगाते हैं, आइज़ के हैं, हार्ट का है, जनरल है, कोई भी इस प्रकार के, उनमें फिर उनको फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल ले जाना, उनको मेडिकल सुविधा वगैरह आदि आदि। विद्यालय के लिए भी हमने प्रबंध किया हुआ है, जो बच्चे ऐसे हैं जिनके एडमिशन्स की स्कूलों में नहीं हो सकते, उन बच्चों को स्कूलों में ले जा करके एडमिशन कराते हैं, स्कूल के जो सामग्री होती है वो अपना दिलवाते हैं। और तीसरा मुख्य काम जिसमें आज आपकी उपस्थिति यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, कुछ ऐसे वर्ग है
असहाय टाइप का जो संस्था के नाम भी हमारे असहाय है, जो अपने बच्चों की शादी वगैरह नहीं करा सकती, क्योंकि आजकल तो शादी लाख में करोड़ में कोई सीमा ही नहीं है। लोग तो बल्कि वायुयान में शादी कर रहे हैं, कैप्सूल में जा कर के समुद्र के अंदर शादी हो रही है, तो ये तो शादी से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार के लड़के लड़कियाँ हैं, उनकी शादी तो होगी नहीं, उनकी मानसिकता में विकार रहेगा, परेशान होंगी वो। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इस संस्था का निर्माण किया, और जो असहाय लोग हैं उनको हम इंटरव्यू लेकर के बुला करके उनके आर्थिक दशा को देख करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख करके हम ये शादी का आयोजन करते हैं। आज के टाइम में जो शादियां होती हैं वो ज़्यादातर शोहरत का दिखावा करते हैं लोग, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच? बेसिकली जो हमारे जो संस्था का जो उद्देश्य था, समाज के अंदर जो विनिम्नता आ रही है, एक प्रकार से जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कुछ गरीब लोग हैं कुछ अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं वो शादी बड़े भव्य तरीके से कर रहे हैं, जो हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं अपने शादी के लिए पैसा भी नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। तो हमारा समाज को एक मैसेज देना है कि वेस्टेज को कंट्रोल करें। शादी जो बड़ी बड़ी शादी होती है आपने देखा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, कई चीज़ों की इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है, खाना ज़्यादा ख़राब होता है। भाई सामूहिक शादियाँ जब होती हैं, आपने देखा होगा एक मंच के ऊपर 31 शादियाँ आज एक साथ हुई है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। बड़े लोगों इस कुछ चीज़ को सीखें कि अगर वेस्टेज अगर हम पे हमने कंट्रोल कर लिया तो इसका सबसे बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट होगा हमारा इन्वायरमेंट। अगर हमारा वेस्टेज सही होगा तो हमारा इन्वायरमेंट सही होगा, अगर हमारा इन्वायरमेंट सही होगा तभी हम स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे, क्योंकि आज पूरी दिल्ली, पूरा हमारा दिल्ली NCR इन्वायरमेंट से पीड़ित है। ये सामूहिक विवाह करके हम ये मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि वो भी लोग जो सक्षम हैं, परिवार में पैसे से संपन्न सक्षम है, वो भी सामूहिक विवाह का आयोजन करें, और जो समाज में जो विमस्ता फैली हुई है, गरीबी अमीर का जो फर्क है उसे कम से कम करें, ये हमारा उद्देश्य। अभी रिसेंटली हमारी सरकार द्वारा एक बिल लॉन्च किया गया है, वो ये है कि शादियों पे 5 लाख से ज़्यादा आप नहीं खर्च कर सकते, और यदि आप करते हो तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है वो आपको गरीबों में दान करना होगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा ये कदम कहाँ तक सही है? वैसे तो सरकार ने जो करा है वो अच्छा ही किया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ उसके साथ साथ कमाई भी होनी ज़रूरी है, और गरीबों में दान करने से बढ़ता है, कम नहीं होता, अच्छा लगता है। गरीबों पर अगर दान करो, बेटियों की शादियों में लगाओ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम अगर अपनी तरफ से लेके कुछ भी करें या सब जनी संस्था जुड़ के करें तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है।